जब से स्टार्टिंग हुई है तभी से मैं मीटिंग डेली अटेंड करती हूँ और इसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझकर और फील्ड में भी पूरा अपने पूरी जिम्मेदारी निभा रही हूँ, लोगों को जोड़ने और पहले खुद को जोड़ा और आप लोगों को जोड़ने का काम सुचारू रूप से कर रहे हैं। तो वी द पीपल के जैसे इतने दिनों से बहुत सारे लोग अभी भी जुड़ रहे हैं, लेकिन जुड़े हुए लोग जो आज भी मेरी कुछ लोगों से बात हुई थी तो वो भी आज वीक के टाइम पे वो ये कह रहे थे कि जी आखिर ये संगठन है क्या, मतलब इतने महीनों से जुड़ने के बावजूद भी अभी उनको ये समझ नहीं आया कि ये कोई संगठन नहीं, ये संघ है। तो उनको उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी अगर वो सुन रहे हैं, मैंने उनको आज लिंक भी दिया था कि आप 9 बजे कॉन्सेप्ट जरूर सुनिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कोई संगठन नहीं है, संगठन बहुत सारे हैं, ये संघ है। वो ये संघ हमारा बहुत पुराना संघ है, हमारे महापुरुषों से पहले का संघ है, हमारे बुद्धा जी से पहले से ये संघ है यहाँ पर, ये हमारा पुराना संघ है, उसको फिर से हम सामने लाया गया है ताकि हम लोग इकट्ठे हो सके। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जब आप मीटिंग से जुड़ते हैं तो वहां पर जो बातें होती हैं, वहां पर जो कॉन्सेप्ट होता है, जो कॉन्सेप्ट समझाया जाता है, उसको ध्यान से सुने। उस टाइम पर अपने माइक सभी लोग खोल लेते हैं, बहुत डिस्टरबेंस होती है और बहुत सारे लोग जो उस टाइम की जो बात होती है वो अच्छे से समझ नहीं पाते, सुन नहीं पाते हैं, और कुछ लोग जो है वीडियो ऑन तो करके बैठ जाते हैं और ध्यान से सुनते नहीं है, और उसी कंफ्यूजन में फिर उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है और कुछ लोग जुड़ना बंद कर देते हैं या फिर ये बात कहते हैं कि जी हमारी समझ में नहीं आया। जब अगर इसी तरह से हम लोग तो अपना ध्यान एक जगह नहीं लगाएंगे तो हम किसी भी तरह से फिर हम कामयाब कैसे हो सकते हैं। मेरा मतलब है कहने का कि ध्यान अब हमने चारों तरफ से हटाकर अब हमने अपने समर संघ पे ध्यान लगाना है। बहुत सारे संगठनों में काम कर लिया, बहुत सारे बाहर निकल के देख लिया, अलग अलग चैनल्स पे भी देख लिया है कि अलग अलग चैनल्स पे क्या क्या चलता है, बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड की हैं, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं किया, हमारे हाथ कुछ नहीं लगा है। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं, 75 साल पहले जो गुलामी थी आज भी सिर्फ उसका स्वरूप बदल गया, लेकिन आज भी उतनी ही गुलामी है, मानसिक गुलामी एडजस्ट की तस है, किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं आया। तो हमें समर संघ को मजबूत करने के लिए हमें पहले अपने घर से शुरुआत करनी होती है। मैं पहले भी कहती आई हूँ कि हमें सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करनी है। अपने अगर आप हस्बैंड को ये बात समझ में आ गई कि समर संघ क्या है तो उसे अपनी पत्नी को बताना चाहिए और पत्नी के साथ साथ अपने बच्चों को बताना चाहिए कि बेटा ये समर संघ है और पहले इतने टाइम से 75 साल से जो हमारा देश आजाद हुआ है उसके बावजूद ढेर सारे संगठन बने लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया और जो हमारे अधिकार थे सारे खत्म होते चले जा रहे हैं, तो हमारा ये संगठन है, तुम्हें इससे जुड़ना है और इससे जुड़ने के बाद तुम अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, रिश्ते नातेदारों में तुमने ये समर संघ के विचारों को समझाना है कि समर संघ है क्या। तो हमें पहले परिवार से शुरुआत करनी होती है, परिवार से शुरुआत नहीं करेंगे तो फिर एक घर के एक सदस्य ने अगर समझा और उसने परिवार में आगे उसको विचारधारा को नहीं दिया तो उस आदमी के बाद वो विचारधारा वहीं पर खत्म हो जाती है। तो हमें जो विचारों का परिवर्तन करना है, बाबा साहब ने भी कहा था कि अगर हमें अपने समाज को आगे बढ़ाना है और हमें अपने समाज को जागृत करना है तो हमें विचारों में परिवर्तन कर लाना होगा। परिवर्तन लाने का मतलब यह है कि जो हम पहले इतने टाइम से गुलामी की जो जिंदगी जीते आए हैं उससे निकलने के लिए जब तक हम अपने विचारों को परिवर्तन नहीं करेंगे, अपने महापुरुषों की जो विचारधारा उसको अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो हमारा जैसे हम लोग पहले से गुलाम थे आगे भी हम लोग ऐसे ही गुलाम रहने वाले हैं। तो बाबा साहब ने जब महाड़ में चवदार तालाब का सत्याग्रह शुरू किया था तो उस टाइम पर हाई कोर्ट से एक स्थानादेश लाया गया था, बाबा साहब के सामने समस्या निर्माण हो गई थी कि समण हिंदुओं के खिलाफ हमने जो ये आंदोलन शुरू किया है यह आंदोलन जो है अब सरकार के खिलाफ जा रहा है। तो बाबा साहब एक वकील होने के बाद
इतने बड़े वकील थे, उसके बावजूद भी बाबा साहब भी थोड़ा सा उस टाइम पर परेशान हो गए थे, क्योंकि आंदोलन जो था नए दिशा में जा रहा था। तो उसी तरह से हमें भी ये अपने समर समाज का जो हमने ये आंदोलन जो शुरुआत किया है, इसको पब्लिक के सामने हम लोग जो लाए हैं, इसको सफल बनाने में हम सबको इकट्ठा होना बेहद जरूरी है। बाबा साहब ने भी कहा था कि अगर हम इकट्ठा नहीं हुए तो मैं जो हमें आज तक मिला है वो सब भी हम लोग अपने हाथों से हम खत्म करने पर मतलब हम अपने हाथों से उसको खत्म कर देंगे। तो इकट्ठे होने के लिए जुड़ना है और जोड़ना है। पहले खुद जुड़ो, विचार को अच्छी तरह समर संघ की विचारधारा को अच्छी तरह समझो, फिर अपने परिवार में दो और परिवार से रिश्ते नातेदारों में, गली मोहल्ले में और फिर पूरे समाज में उसको हमें घर घर तक पहुंचाने में हम एक दूसरे का हमें सहयोग करना है। और एक चैन बनानी है। जिस तरह से चैन कैसे बनेगी, मैंने आपको दिया, आपने किसी और को विचार दिया, तीसरे को दिया, तो इस तरह से एक के बाद एक लंबी चैन बनेगी। और हमारी ये देश में तो देश के साथ साथ विदेशों में भी हमारी ये चैन पूरे विश्व में फैलेगी। इसी तरह कुछ देश हमारे साथ जैसे अब जुड़ चुके हैं, वो इसी चैन के थ्रू जुड़े हैं। जो यहाँ से समर समाज वी द पीपल से स्टार्ट हुई जो हमारी चैन थी, वो अब विदेशों तक पहुंच गई है। वो इसी तरह पहुंची है क्योंकि हमने उसमें एक चैन के रूप में काम किया है। तो हमें अपने समाज में जो आसपास के जो लोग हैं, बहुत दूर दूर जाना अगर नहीं संभव हो पाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारे आसपास के जो लोग हैं हमें उनसे छोटी छोटी मीटिंग्स करनी करनी चाहिए। जैसा अब विद द पीपल से जो ग्राउंड पर हमने जो मीटिंग शुरुआत कर दी है, हर हर हफ्ते, हर शनिवार, हर संडे, कहीं ना कहीं डेली 4, 5, 10, 12 मीटिंगें कहीं ना कहीं होती रहती हैं। वो अब जो पहले लोग कहते थे जी ग्राउंड पे काम नहीं हो रहा है, ये अच्छी सिर्फ तरह सामने बात होती है और ग्राउंड पे काम नहीं हो रहा है, लेकिन अब ग्राउंड पर काम हमारा बहुत तेजी से चल रहा है। तो इसको और आगे बढ़ाने के लिए हमें और लोगों को जल्दी से जल्दी जोड़ना होगा, क्योंकि जो हमारे 15 तारीख मई में 1,000 जो स्पोक्स की जो मीटिंग हमें लगानी है, तो उसके लिए हमें और ज्यादा मेहनत करनी है। उस मेहनत हमने एक दूसरे के साथ मिलके चैन के थ्रू ही करनी है। मैं आज अगर 10 स्पोक्स तैयार करती हूँ तो उन आगे 10 स्पोक्स को जिम्मेदारी देते हैं देनी होगी कि आप भी आगे 10 लोगों को जोड़ें। एक बंदा 10 लोगों को जोड़ेगा तो इस तरह से हमारे आप मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, तो हमारे इस तरह से जल्दी से 1,000 स्पोक्स तैयार हो जाएंगे। और हमारी जो मीटिंग है दिल्ली में, जो इंटरनेशनल लेवल की मीटिंग होने जा रही है, उसमें 1,000 स्पोक्स फटाफट हमारे जो तैयार हो जाएंगे। और इसी तरह से हमें आगे 10-10 लोगों को चैन बना के काम करना है। ये 1-10 का जो फॉर्मूला है यही हमें लागू आगे करना है, कि जो हमारा जो समर समाज की जो जो स्टार्टिंग से जो बात हुई थी उस टाइम, तो जो शुरू नए नए लोग जो अब जुड़ रहे हैं उन्हें कोई उसी स्टार्टिंग से पता नहीं था कि क्या है समर संघ क्या है और क्या कर रहा है। तो बीच बीच में हमें जो अपने समर समाज की जो एक डेफिनेशन है जो हमारी, उसको बीच बीच में हमें बताना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कल भी मेरे से कुछ 2 महिलाओं को से मैंने बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि हमने बीच में मीटिंग अटेंड तो की थी लेकिन हमारी समझ में कुछ नहीं आया, क्योंकि आप इस टाइम पर हम आगे की बात कर रहे हैं, जो हमने शुरू से बुनियादी जो बात करी थी वो उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता थी। तो फिर मैंने उनको यही कहा कि भाई देखो, आपको कुछ दिन डेली मीटिंग आप अटेंड करोगे तो ही समझ में आएगा हम इस टाइम पर तुम्हें कितनी बहुत डीपली हम तुम्हें जानकारी, जितनी मुझे जानकारी मैं उतनी दे सकती हूँ, लेकिन आप मीटिंग में जुड़ेंगे तो वहां पर हमारे जो बहुत अच्छे कार्यकर्ता जो हैं जो हमारे समर समाज के, वो उनसे आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। तो इस तरह से हमें बीच बीच में जो हमारी जो बुनियादी जो हमने बात रखी थी वो बीच बीच में हमें बताना बेहद जरूरी हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि इस टाइम पर जो हम पुराने जो कार्यकर्ता हो गए हैं समर समाज के, हम लोगों को मालूम है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम ग्राउंड लेवल पे भी काम कर रहे हैं, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहे हैं, हम लोग स्टेट लेवल पे काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन जो नए लोग जुड़ते हैं उन्हें बुनियादी जो स्टार्टिंग थी हमारी उस उन उनको उस, वहां से बताना बेहद जरूरी है। तो बाबा साहब ने कहा था कि अगर
बाबा साहब ने जो तीन नारे दिए थे, वो तीन नारों पर अगर हमने आज भी विचार नहीं किया, तो जो हमारे बाबा साहब अपनी पूरी जिंदगी देकर के हमें देकर गए थे, हमारे अधिकार जो देकर गए थे, वो हम धीरे धीरे हमारे खत्म होने जा रहे हैं। बहुत सारे संगठनों ने काम किया, लेकिन उन्होंने उन्होंने अपने लिए काम किया, अपनी जेब भरने के लिए काम किया, आप अपने परिवार के लिए काम किया, ना कि समाज के लिए काम किया। तो अगर समाज के लिए ये लोग काम करते हैं, तो शायद समर समाज की स्थापना करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती। समर समाज की स्थापना करने की जरूरत तभी पड़ी है जब संगठनों ने काम नहीं किया। जब संगठन काम नहीं करेंगे तो कोई तो खड़ा होगा ना अपने समाज के लिए। तो इसीलिए हमें समर समाज की स्थापना करनी पड़ी, और अब ये समर समाज बहुत तेजी से काम आगे बढ़ रहा है, और इसके लिए हम सबको एक एक साथ जल्द से जल्द खड़ा होना होगा। और जब जब हम जुड़ जाएंगे, तब तब हम जीत जाएंगे। हम अगर आज जुड़ते हैं तो आज जीतेंगे, कल जुड़ेंगे तो कल जीतेंगे। जितना लेट करेंगे उतना हमें ही नुकसान होगा। इसलिए जल्दी से जल्दी जुड़ने के लिए लोगों को प्रेरित करना है, और अपने समर संघ को जल्दी से आगे बढ़ाने के लिए जितना ज्यादा हो सकता है महिलाओं को भी उतना ज्यादा से ज्यादा जोड़ना होगा, क्योंकि हम महिलाएं बहुत कम संख्या में जुड़ पा रही हैं, और महिलाओं के 50% आबादी जो है, हमें बराबर दिखानी समर समाज दिखानी होगी कि महिलाओं को भी कि भाई हम 50% हैं, तो हम पूरा अपना योगदान इस समर संघ के को कामयाब करने के लिए हम पूरा अपना सहयोग देंगे, और तन मन धन से अपना पूरा सहयोग देने के लिए हम तैयार हैं। तो इसी इसी सोच के लिए हमें महिलाओं को पूरी तरह तैयार करना होगा। उसमें हमें अपने पुरुष साथियों की भी पूरी तरह से जरूरत है, क्योंकि अपने घर की महिलाओं को वो अगर पुरुष यहाँ से सीख के जाता है, हमारा पुरुष भाई सीख के जाता है, तो अपने उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने घर में अपनी पत्नी के साथ, अपनी बेटियों के साथ, अपनी बहनों के साथ उसको थोड़ा डिस्कस करें, और अगर वो पूरी तरह से उनको नहीं समझा सकते हैं, तो हमारे जो समर समाज की जो महिलाएं हैं, जो हमारी एक्टिव महिलाएं हैं, उनसे आप कॉन्टेक्ट करके उनकी मीटिंग करवा सकते हैं, ताकि या शायद मुझे ऐसा लगता है एक महिला महिला को बहुत अच्छे तरीके से समझा सकती है। हमें 50% आबादी को भी साथ लेके आपको चलना होगा, और उनको बराबर अपना सहयोग भी देना होगा। उनको अगर आपको जरूरत पड़े उनके साथ सहयोग करने के लिए, तो आप उनके साथ घर में काम भी करें, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं तो उस टाइम पे कह देती है हम तो रसोई में लगे होते हैं, हम तो ये काम कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें अकेले करना होता है। तो ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप उनका सहयोग करें, ताकि वो भी टाइम से फ्री होके आपके साथ मीटिंग अटेंड कर सकें। समर समाज कोई एक का नहीं है, हम सबका है। वी द पीपल जो है किसी एक के लिए नहीं है, सबके लिए है। हम सबके लिए वी द पीपल है समर संघ, हम सबके लिए। उसमें बच्चे बड़े बूढ़े सभी हैं। बच्चा अगर जब पैदा हो जाता है, तो वो भी समर संघ का एक सदस्य हो जाता है। तो उस जब से जैसे अगर बच्चा बड़ा होगा, अगर हम उसको जानकारी स्टार्टिंग से देंगे, तो पूरी तरह से एक सैनिक बन के तैयार हमारे सामने होगा समर संघ का, और अपने हक अधिकारों को बचाने के लिए अपनी पूरी मेहनत से भी वो भी खड़ा होगा। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को भी समर संघ के बारे में बताएं, और अपनी बहनों को, अपनी माँ को, सबको समर संघ के बारे में बताएं। इसे कामयाब करने के लिए, अपने हक अधिकार बचाने के लिए हमें एक साथ जुट होकर, एकजुट होकर हमें काम करना होगा। और सॉरी, एक साथ खड़ा होके हमें चलना होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ विराम देना चाहूंगी, लेकिन एक एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगी कि आप सभी लोग जुड़े हैं, और अपने घर की महिलाओं को जरूर जोड़ें, उनको जरूर समर संघ की बारे में बताएं, और 15 मई का जो हमारा इंटरनेशनल लेवल का जो मीट होने वाली है, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा स्पोक्स तैयार करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ लाने की कोशिश करें, और उनको पूरी जानकारी दें कि कैसे उनको ज्वाइन करना है, कैसे उनके पेमेंट जमा होनी है, और उनको बताएं कि ग्रुप में नंबर डाल दिए गए हैं, शेयर कर दिया गया है, किस अकाउंट में पैसा डालना है, तो उन सबको ये जानकारी दें, क्योंकि जितनी जल्दी हम लोग इकट्ठे होंगे, उतनी जल्दी हम लोग कामयाब होंगे, और 15 तारीख की मीटिंग को हमें बहुत सक्सेसफुली मनाना है, बनाना है। इसके बाद आगे हमारे जो ग्राउंड पे जो और बड़ी मीटिंग होने जो होंगी, बीच में मैंने सुना था कि 5,000 स्पोक्स की फिर आगे मीटिंग का भी प्रोग्राम है, तो जो हम पहले 1,000 की मीटिंग को अच्छे से कामयाब कर लेंगे, तो आगे 5,000 की भी कर लेंगे, 10,000 की भी करेंगे। वो तभी संभव होगा जब हम एक दूसरे जुड़ेंगे,
और जोड़ेंगे। विदा पीपल का एक ही कॉन्सेप्ट है, जुड़ें और जोड़ें। जब जब जुड़ें तब तब जीतें, आज जुड़ें आज जीतें, कल जुड़ेंगे कल जीतेंगे, हम सब कुछ जुड़ेंगे तो हम सब जीतेंगे और अपने अपने बच्चों का भविष्य भविष्य और फ्यूचर को हम सेफ कर सकेंगे। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। साधु साधु।